आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग फिजिक्स ऑनर्स के लिए न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब कुछ आपको डिटेल में हम गाइड करेंगे। तभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। हम लोग बात करते हैं कि जो फिजिक्स का हम न्यू बैच लॉन्च करने जा रहे हैं फिजिक्स ऑनर्स के लिए, तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए होगा। तो अगर आप बिहार से हो तो सभी यूनिवर्सिटी बिहार का सेम है, तो आप देख सकते हैं बिहार किसी भी कोने से, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ये आपके लिए न्यू बैच है। अगर आपका फिजिक्स में या माइनर में फिजिक्स है या मेजर में फिजिक्स है या दोनों में फिजिक्स है तो भी आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। जैसे आपका मेजर आपका मैथमेटिक्स है, माइनर आपका फिजिक्स है, या आपका दोनों फिजिक्स है, तो भी आपके लिए वीडियो लेक्चर सेम न्यू बैच है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो किस प्रकार, चलिए आगे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन क्या कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मेजर सब्जेक्ट का, ओके, एमजेसी की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसका बात कर रहे हैं, फिजिक्स ऑनर्स की बात कर रहे हैं, या फिजिक्स ऑनर्स आप बोलो, इसमें कोई एक सब्जेक्ट भी है तो आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो इसको हम मिटा ही देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे सर फिजिक्स ऑनर्स के लिए हमारा एक ही हम कैसे पढ़ेंगे, तो इसको छोड़ो। आपको अगर एमजीसी वन अगर आपको पढ़ना है, तो एमजीसी वन में फिजिक्स में जो आपको पढ़ना है यूनिट वन की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वन में जो आपको पढ़ना है, यूनिट वन में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है, आपको यूनिट वन में डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, राइट। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है। पहले सब्जेक्ट बताए तो उसके बाद आपको हम बताएंगे हम लेक्चर्स कैसे मिलेगा, ओके। इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है, उसके बाद यूनिट टू की बात कर लेते हैं। यूनिट टू में आपको वेक्टर कैलकुलस, और वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। सेम ही बात है, केवल ऐसा लिखा गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है। उसके बाद इसमें यूनिट थ्री में जो आपको पढ़ना है, इसी में यूनिट थ्री की हम बात करेंगे, यूनिट थ्री में पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स। और यूनिट फोर में जो पढ़ना है आपको, यूनिट फोर में जो आपको पढ़ना है सेंटर ऑफ फोर्स आपको पढ़ना है, राइट। तो इतना आपका था क्या, एमजेसी वन में आपको इतना सब्जेक्ट पढ़ना। उसके बाद हम लोग पहले बात कर लेते एमआईसी की बात कर लेते, उसके बाद आपको हम वीडियो लेक्चर्स के ऊपर हम बात करेंगे, राइट। तो इसमें जो आपको बोल रहे हैं एमजेसी वन में, इसमें आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्या आपको है ये जो सब्जेक्ट है एमजेसी में, जो मेन जो आपका हेडिंग है वो आपको बताते हैं इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिजिक्स एंड क्लासिकल मैकेनिक्स है। मतलब कुछ ही देखो, ये जो देख रहे थे सब्जेक्ट डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर कैलकुलस, ये मैथमेटिक्स का पोर्शन है, ये आपका मैकेनिक्स का पोर्शन है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अगला बात कर लेते हैं एमआईसी वन की बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अब जिनका भी देखो मैथ में है और माइनर आप लेके रखे हो एमआईसी वन में, तो आप भी आप पढ़ सकते हो, सेमी सिलेबस है आपका, ओके। देखो इसमें यूनिट दो ही पढ़ना है, तो यूनिट वन में जो आपको पढ़ना है वो डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ना है, उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है,
इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना है और यूनिट टू में जो पढ़ना है आपको, यूनिट टू में जो पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ डायनेमिक्स पढ़ना है। इतना वक्त मात्र इतना दो ही टॉपिक्स इसमें, दो ही यूनिट आपको पढ़ना है। तो ये तो बात हो गई आपका, ये टॉपिक्स की बात हो गई कि कौन कौन से सिलेबस आपको पढ़ना है। सेम चीज यहाँ जो देख रहे हैं इसमें भी मैथमेटिकल कुछ पोर्शन है, कुछ पोर्शन क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स का नाम रखा केवल मैकेनिक्स है, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं, कुछ अंदर की बातें करते हैं। देखो ये जो डिफरेंशियल कैलकुलस आप देख रहे हैं ना, ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, यहाँ भी जो डिफरेंशियल कैलकुलस देख रहे हैं ना, तो पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस नहीं है, इसमें थोड़ा सा पार्ट आपको पढ़ना है। कुछ पार्ट रियल का भी इसमें इंक्लूडेड है, कुछ डिफरेंशियल कैलकुलस से आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना है। तो देखो पार्शियल ज्यादा जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगा पार्शियल डिफरेंशिएशन से आएगा, उसके बाद मैक्सिमा मिनिमा है, उसके बाद और भी आगे दो तीन टॉपिक्स है, उस प्रकार से आपको पढ़ना। अगर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे देखेंगे तो इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, यहाँ भी देख रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस दोनों से भी है, केवल नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, मात्र एक टॉपिक इंटीग्रल कैलकुलस है, बाकी सब डिफरेंशियल इक्वेशन है, टोटली डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात करते हैं फंडामेंटल डायनेमिक्स का, ये डायनेमिक्स जो दिया गया है तो पुराना वाला नहीं, यहाँ पे नया दिया गया है। तो अभी जो आपको वीडियो लेक्चर हमारा मिलेगा इसका कुछ वीडियो लेक्चर ये मिल जाएगा और इंटीग्रल कैलकुलस का मिल जाएगा, फैक्टर कैलकुलस का मिल जाएगा कंप्लीट। इसमें भी बात करेंगे तो यहाँ सेम डिफरेंशियल कैलकुलस मिलेगा और इंटीग्रल कैलकुलस मिलेगा, और बाकी का जो फंडामेंटल डायनेमिक्स है ये आपको हम आने वाला कल में वीडियो लेक्चर्स देखें। अभी फिलहाल जो मेरे पास अवेलेबल है, जो पुराना मेरे पास जो पहले से अवेलेबल है रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, मेरे पास मैकेनिक्स का भी लेक्चर्स है, मैकेनिक्स भी हम पढ़ाते हैं, बट ये वाले सेम आपका टॉपिक्स नहीं है, हमने मैच किया। आपका जो अभी टॉपिक्स वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, इंटीग्रल कैलकुलस मिलेगा, डिफरेंशियल कैलकुलस मिलेगा, उस यहाँ पे फैक्टर कैलकुलस का कंप्लीट मिल जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल कैलकुलस मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल कैलकुलस मिलेगा। तो वीडियो लेक्चर्स कैसे मिलेगा, देखिए वीडियो लेक्चर्स आपको हम आज से वीडियो पब्लिक हो रहा है तो कल तक में आपका प्ले लिस्ट में एड हो जाएगा सेमेस्टर वाले में, लेकिन आप सभी वीडियो लेक्चर्स तभी देख पाएंगे जब आप मेंबरशिप 159 का ज्वाइन कर पाएंगे। मेंबरशिप 159 का ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा ताकि आपको हम क्लास नोट सबका प्रोवाइड कर पाए। अब क्लास नोट्स भी तो आपको चाहिए ना, तो आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है 159 का, और उसके बाद मुझे आप मेरा व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा होगा वहां पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, तो ये जो भी सब्जेक्ट का वीडियो लेक्चर्स मेरे पास अवेलेबल है उसको आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, और मार्क्स लाने के लिए भी सफिशियंट है, यहाँ से मार्क्स उठाया जा सकता है ये सब सब्जेक्ट से, राइट। ये सबसे तो केवल आपका फॉर्मेटिव एक दो क्वेश्चंस रहेगा, मैक्सिमम क्वेश्चन इधर ही से देखने को मिलेगा, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहेगा लेकिन मार्क्स यहाँ से ज्यादा उठेगा, इसको रटने वाला सब्जेक्ट है ये, रटने वाला जब आपको हम पढ़ाएंगे तो ऐसा तो नौबत नहीं है कि आप रटोगे, मजा आएगा आपको पढ़ने में, बट इसमें टाइम है। देखो अभी हम सेमेस्टर वन में मैथमेटिक्स का ले रहे हैं तो आपका जो मैकेनिक्स वाला पार्ट है इसमें टाइम लगेगा, मैं क्लियर बता रहा हूँ। अभी जो सब्जेक्ट आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक महीने के अंदर जब भी सब्जेक्ट है सभी आपको देख लेना है, कंप्लीट नोट कर लेना है या क्लास नोट लेना है। आपको टेलीग्राम प्राइवेट जो टेलीग्राम चैनल आपके लिए फिजिक्स ऑनर्स के लिए जो बनाएंगे उसमें आपको हम क्लास नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, और इसका जो भी वीडियो लेक्चर्स है वो भी आपको वहां पर रहेगा, तो वहां से आप ज्वाइन करेंगे। आपका लाइव क्लासेस नहीं होगा, याद रखिएगा आपका लाइव क्लासेस नहीं मिलेगा, केवल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेगा, ओके। तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फिजिक्स ऑनर्स के लिए तो जब अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप जरूर ज्वाइन करके पढ़िए, जो भी सब्जेक्ट आपको फिलहाल अभी दे रहे हैं, राइट। तो यही कुछ बातें था जो आपके साथ शेयर करना था, तो आई होप ये वीडियो लेक्चर्स आपके लिए अगर हेल्पफुल है, तभी तक लाइक देंगे तो लाइक कर दे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक्स, लव यू ऑल।